ओके तो चलिए 25th एग्जाम्पल करते हैं। हमें पूछा है द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, कितने फोटॉन्स एक सेकेंड में एमिट हो रहे हैं। अगर लाइट की जो वेवलेंथ है वो 600 नैनोमीटर है व्हेन इट डिलीवर्स, तो बल्ब से अगर पावर आ रहा है 3.3 × 10⁻³ वॉट यानी कि जूल पर सेकेंड, तो एक सेकेंड में इतना पावर आ रहा है मतलब कितने फोटॉन्स लिबरेट हो रहे हैं। तो हमें पता है एक फोटोन के पास कितनी एनर्जी होती है, तो एक फोटोन के पास एनर्जी होती है 12430 अपॉन वेवलेंथ अगर हम एंगस्ट्रॉम में ले लेते हैं। ओके तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, या आप एच सी बाय लैम्डा भी यूज़ कर सकते हैं जूल में अगर आपको सॉल्व करना है, तो एच सी बाय लैम्डा। ओके जो कि यहाँ पर एनर्जी है 3.3, एक फोटोन के पास इतने जूल एनर्जी होती है, तो कितने फोटॉन्स के पास एनर्जी रहेगी 3.3 × 10⁻³ जूल, सो दैट एक सेकेंड में जो एमिट हो रहे हैं बिकॉज इतनी एनर्जी एक सेकेंड में लिबरेट हो रही है। तो n इंटू एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू 3.3 × 10⁻³। और ये डायरेक्ट फार्मूला भी होता है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड होता है पावर अपॉन एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, जो कि ये वही बन रहा है नंबर ऑफ फोटोन। तो 3.3 × 10⁻³ इंटू वेवलेंथ अपॉन एच सी, 3.3 × 10⁻³ वेवलेंथ दिया है 600 नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 × 10⁻³⁴ होता है, सी स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ होता है। ओके सॉल्व करना आसान रहेगा, 3 तो इट विल बी 1.1, और हमें पता है 11 6 ज़ा अप्रॉक्सीमेटली 66 होता है यानी कि 6.6, सो 6 × 100 हमें ऐसे भी एवरेज ऑन एन एवरेज पता करना है। तो कितने फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं पर सेकंड, सो रिमेनिंग जो भी है पावर ऑफ 10 है अगर हम इन्हें टैकल कर लेते हैं 10⁻³, 100 मतलब 10⁻² 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 10⁻³ 10⁸। अब अगर आप ध्यान से देखते हैं और हम इन्हें ऐड करते हैं बराबर से, तो -3, तो अगर आप देखें तो -3 और 2 हो जाता है -1, -1 -9 हो जाता है -10 अपॉन 34 - 8। ओके 34 में से अगर आप 8 माइनस करते हो तो -26 बचता है, -26 ऊपर चला जाएगा, -10 +26, 26 में से अगर 10 चले गए तो कितना बचा 16, तो 10⁻⁙ फोटॉन्स एमिट होंगे पर सेकेंड। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू।